तनाव के बीच एक बार फिर भारत चीन के विदेश मंत्री आमने सामने। ड्रग्स केस बहानेबाजी के बाद आज एनसीबी के सामने पेश होंगी रकुल प्रीत सिंह और करिश्मा प्रकाश। दुनिया में 3.25 करोड़ कोरोना संक्रमित, मृत्यु दर गिरकर 3.04% हुई, 74% मरीज ठीक हुए। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी हमला, शोपियां के मिनी सचिवालय पर हमला हुआ। लखनऊ पंडित दीनदयाल उपाध्याय सूचना परिसर का उद्घाटन आज, सीएम योगी आज करेंगे उद्घाटन। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के विधायक बी नारायण रावत की कोरोना वायरस संक्रमण से मौत हो गई है। लखनऊ आज लखनऊ मंडल की समीक्षा करेंगे सीएम योगी, शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लेंगे अधिकारियों की बैठक। गैर संक्रामक रोगों के नियंत्रण के लिए केरल को मिला संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार, WHO के निर्देशक ने की घोषणा। कृषि बिलों के खिलाफ आज किसानों का भारत बंद, विपक्ष का मिल रहा पूरा समर्थन। लखनऊ अब राज्य स्तर पर होगी राजस्व लेखपालों की भर्ती, यूपी में पहली बार राजस्व स्तर पर होगी लेखपालों की भर्ती।